मैं जब सोजात आ रहा था तो मुझे बताया गया ये मेहंदी की नगरी है। हम लोग पूरे देश में राजस्थान की मेहंदी को हमारी माताएं बहनें पसंद करती है और राजस्थान में भी सोजात की मेहंदी ये तो पूरे विश्व में फेमस है। लेकिन ये मेहंदी क्यों फेमस है, ये क्यों हमारी माता बहनों को पसंद आती है, क्योंकि इसका रंग बड़ा गहरा है। हाथ पे जब ये मेहंदी लगाई जाती है तो गहरा लाल रंग देखकर हमारी माताएं बहनें प्रसन्न होती है। लेकिन अब इस मेहंदी के साथ एक और कंपटीशन शुरू हो गया। पहले लोग केवल सोगात की मेहंदी के लाल रंग की चर्चा करते थे, अब राजस्थान की चर्चा आती है तो लाल डायरी की भी चर्चा चालू हो गई। और अब तो लाल डायरी वाला हमारे एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना में चला गया। अब शेखावत जी लाल डायरी के दो पन्ने तो आ गए थे, अब शिंदे जी को बोल के बाकी पन्ने भी मैं बाहर लाऊंगा। इनका जो कच्चा चिट्ठा है, कहां से आया, कहां गया, किसके पास गया, किसके जेब में गया, कौन लेकर गया, ये सारा कच्चा चिट्ठा अब धीरे धीरे लाल डायरी से बाहर आने वाला है। लेकिन मैं जिस समय गजेंद्र भाई साहब की बातों को सुन रहा था, उनके भाषण को सुन रहा था, तो मैं समझ ही नहीं पा रहा था। ऐसी भी सरकार होती है कि जिसमें मंत्री सरकार का विरोध कर रहे हैं, जिस सरकार के मंत्री कोई कह रहा है मिनी बस, कोई कह रहा है छोटी बस, कोई कह रहा है और छोटी गाड़ी। मेरे समझ में नहीं आ रहा है इसको सरकार कहेंगे कि सर्कस कहेंगे। ऐसा तो सर्कस में होता है ना, सरकार में थोड़ी होता है। तो क्या राजस्थान को सर्कस के हाथ में देंगे? अरे सर्कस वालों से वापिस लेंगे और मोदी जी के हाथ में वापिस देंगे।